प्रोजेक्ट भवन में सीएससी द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आईटी डायरेक्टर मनोज कुमार रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। साथ ही अपने भाषण में कहा कि आज हम हर गांव, हर तबके में पहुंच चुके हैं। जहां तक कल तक जाना मुश्किल था, आज हम वहां भी है। उन्होंने एक गाना भी जारी किया जो सीएससी पर था। इस द्वारा ये दिखाया गया कि कैसे हर महिला आज अपने घर से निकलकर डिजिटली शिक्षित हो रही है और सरकार के सारे योजनाओं का लाभ उठा रही है। साथ ही सीएससी के स्टेट हेड शंभू कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आज 18 लाख महिलाएं डिजिटली शिक्षित हो चुकी है। टारगेट थोड़ा बड़ा है, लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है, हम जल्द ही आज झारखंड के एक एक सदस्य को, एक एक लोग को, एक एक जनता को डिजिटली शिक्षित कर देंगे। टीम है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके ये कार्य कर रहे हैं। और हमारे वीएलई जो विलेज लेवल एंटरप्रेनर है, जो कि 4 लाख से ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में है और 20,000 के से ज़्यादा झारखंड में कार्यरत हैं, तो इसका एक आज़ादी का अमृत महोत्सव आज पूरे इंडिया में चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस वर्कशॉप का आयोजन रांची में किया गया है। झारखंड के रांची में प्रोजेक्ट भवन में धुरवा में किया जा रहा है। इसमें जो हमारे सीएससीज के मदद से विभिन्न सेवाएं, ऑनलाइन सेवाएं जो दी जा रही हैं, जो नई सेवाएं जुड़ी हैं, जो अलग अलग तरह की सेवाएं जो हमारे वीएलई रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में दे रहे हैं, कनेक्टिविटी की भी सेवा है, रूरल एरिया में कनेक्टिविटी भी पहुँचा रहे हैं, ये सब के बारे में आज एक वर्कशॉप किया जा रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में या इस वित्तीय वर्ष में जो हमारे वीएलई अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनको जिला स्तर पर तो उनका सम्मान किया ही जाता है, आज राज्य स्तर पर भी उनका सम्मान किया जा रहा है, तो इसी के तहत ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। सर, ये जो 28,000 सीएससी हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, अचीवमेंट क्या है? 28,000 सीएससी हमारे रूरल और अर्बन एरिया दोनों में मिला करके हैं, 4,500 पंचायत झारखंड में है, तो ये हमारे लगभग 24,000 के आसपास हमारे वीएलईज रूरल एरिया में फंक्शन है और 4,500 वीएलईज अर्बन एरिया में फंक्शन है। ये झाड़ सेवा जो कि सर्टिफिकेट सेवा है, ई श्रम जो अभी शुरुआत हुआ है, जिसमें 50 लाख ई श्रम कार्ड हमारे वीएलईज ने बना लिया है, आयुष्मान सेवा, झारखंड सरकार की एक स्कीम है जिसको झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना बोलते हैं, उसमें 3.25 लाख उन्होंने किया है रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा कई सारी और सेवाएं हैं, ऑनलाइन सेवाएं हैं, जो सेवाएं ये अपने सेंटर में लोगों तक देते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा दूर ना जाने पड़े। कोई सेवा लेने के लिए हो सकता है उनको ब्लॉक में जाना पड़े सिटीजन को, या जिला में जाना पड़े, तो वो अभी अपने पंचायत में और अपने गांव में भी ले सकते हैं। सीएससी का वर्जन 3 अगले साल आने वाला है, जिसमें हर गांव में भी 6 लाख गाँव में सीएससी को इस्टेब्लिश करने का प्लान है। अभी झारखंड में 32,000 गाँव में जो 30,000 चिरागी गाँव हैं, तो उसमें हम लोग लगभग 80% हम लोग सीएससी को इस्टेब्लिश कर दिए हैं और फंक्शनल अभी बनाने का मुहिम चल रहा है, ताकि सिटीजन्स को उनके गांव तक ही ये सेवा मिल सके, उनको ज़्यादा परेशान न होना पड़े। 200 तरह की सरकारी सेवा और अन्य 200 तरह की गैर सरकारी सेवा, कुल 400 से ज़्यादा सेवाएं हमारे वीएलईज दे रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी कैसे है? को लेकर के प्लानिंग बनी थी जो राजधानी में या अन्य जो बड़े, उसकी क्या जी? इसमें BBNL का अहम रोल है, BBNL उसको रेडी करते हैं, उसको कनेक्टिविटी पहुंचाते हैं, फाइबर पहुंचाते हैं, उसके बाद जब वो रेडी हो जाता है तो हमारे वीएलईज उसको सिटीजन तक पहुंचाते हैं। तो इसमें हम लोग 13 जिला में 2400 पंचायत है, जिसमें लगभग 1800 पंचायत हमने लाइव किया है, और उसी में हम आगे इसको लाइव कर रहे हैं। FTTH कनेक्शन भी दे रहे हैं, फाइबर टू द होम, जिसके तहत स्कूल में, कॉलेजेस में, पुलिस स्टेशन में, अभी तक 48 पुलिस स्टेशन में भी दे चुके हैं, PDS शॉप पे, इस तरह के अन्य सरकारी संस्थान में और गैर सरकारी संस्थान में। अगर कोई अपने घर में, गांव में फाइबर FTTH कनेक्शन लेना चाहे, तो फाइबर उनके घर तक पहुंचेगा, ऐसा भी हमने करीब 1500 कनेक्शन अभी तक झारखंड में दिया है। इसमें काफ़ी अहम रोल है हमारे वीएलईज का, और कई सारे इश्यूज भी है, वो हमारे वीएलईज टैकल करके इसमें आगे बढ़ रहे हैं। कई जगह कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम जी, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आपको भी आभास होगा कि पिछले 5 वर्ष के अपेक्षा भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, लेकिन गुंजाइश तो बहुत है, और इसमें चूंकि कई सारे डिपार्टमेंट्स के इसमें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करते हैं, जैसे BSNL है, BBNL है, तो वो सभी अभी अहम रोल है, तो हम लोग सब मिलकर कार्य कर रहे हैं इसमें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।